हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो अब बात करते हैं बेटा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में क्या आते हैं आपके, दो कंपोनेंट्स आ जाते हैं आपके, ब्लड एंड लिम्फ। बट आप सरप्राइज होंगे ये जान के कि ब्लड को फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे जो सेल्स हैं, सेल्स में पावर ऑफ डिवीजन नहीं होता, दे लैक पावर ऑफ डिवीजन। सेकेंडली जो ब्लड की सेल्स हैं या मैट्रिक्स जो है ब्लड का, इट इज फॉर्म्ड बाय लीवर एंड लिम्फोइड ऑर्गन्स। एंड थर्डली जो और भी इंपॉर्टेंट, जो अभी तक हमने जितने भी कनेक्टिव टिश्यू पढ़े हैं उसमें फाइबर्स प्रेजेंट हैं, बट यहां पे फाइबर्स आर टोटली एब्सेंट। तो इस वजह से ब्लड को फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू कह दिया जाता है। एंड ब्लड की स्टडी हो जाती है बच्चों हिमेटोलॉजी। अब फिजिकल पैरामीटर्स की बात करें तो पीएच है इसका 7.4, स्लाइटली अल्कलाइन। वेट वाइज हमारी बॉडी का 7-8% ब्लड से बनता है, लेकिन अगर वॉल्यूम की बात करें तो एडल्ट ह्यूमन मेल में 5-6 लीटर, जबकि फीमेल में 4-5 लीटर ऑफ ब्लड इज प्रेजेंट। ठीक। अब जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोजिशन है, तो जो लिक्विड पार्ट है जो मैट्रिक्स बनाता है, लिक्विड पार्ट जो कि मैट्रिक्स की फॉर्मेशन करता है, उसमें मेनली होता है प्लाज्मा। जबकि जो सॉलिड पार्ट है जहां पे सेल्स प्रेजेंट हैं, दैट इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो प्लाज्मा 55% बनाता है, जबकि फॉर्म्ड एलिमेंट सिर्फ 45% बनाते हैं। अगर कंपोजिशन वाइज इसको डिफरेंशिएट करें तो आरबीसी प्लाज्मा तो हो ही गया 55%, लेकिन 44% आरबीसी होती हैं एंड ओनली 1% डब्ल्यूबीसी आर प्रेजेंट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर प्लेटलेट्स कहां गए। बेटा प्लेटलेट्स जो होते हैं ना, दे आर नॉट ट्रू सेल्स, दे आर सेल फ्रेगमेंट्स। वो क्या होते हैं? सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं। तो आप अगर ब्लड को किसी टेस्ट ट्यूब में लोगे ना, तो सबसे नीचे आपको इरिथ्रोसाइट्स आरबीसी दिखाई देंगे, उसके बाद जो 1% जो बफी कोट होगा वो डब्ल्यूबीसी का होगा, और ऊपर का जो पार्ट होगा इट फॉर्म्स प्लाज्मा। तो पहले हम बात कर लेते हैं सेल्स की। आरबीसी आपने बहुत पढ़ी है, इनको इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन पिगमेंट। अब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 12-16 ग्राम हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन पर 100 ml ऑफ ब्लड। अब हीमोग्लोबिन के भी दो पार्ट होते हैं बच्चों, हीमोग्लोबिन के दो पार्ट होते हैं। एक होता है हीम जो 5% होता है, एंड ग्लोबिन पार्ट 95% बनाता है। ये प्रोटीन पार्ट है, ये नॉन प्रोटीन पार्ट है। क्लियर। अब हीम में क्या होता है, इट कंटेन्स आयन इन द प्रेजेंस ऑफ फेरस, Fe2 पॉजिटिव, फेरस फॉर्म में आयन प्रेजेंट होगा। एंड ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, वन हीमोग्लोबिन कैरीज 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, या उस 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ ये बाइंड रहता है। यहां पे 4 पॉलीपेप्टाइड प्रेजेंट होते हैं, 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स, सो इट इज ए पॉलीपेप्टाइड। ठीक, क्लियर टू एवरीवन। अब लाइफ स्पैन, दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर आरबीसी की लाइफ स्पैन होती है 120 डेज। मैच्योर आरबीसी आर बाइकॉनकेव इन शेप विदाउट न्यूक्लियस या सेल ऑर्गेनेल्स कोई भी इसमें प्रेजेंट नहीं होता। ओरिजन के टाइम पे आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, लेकिन मैच्योरेशन के टाइम पे ये डीजनरेट हो जाता है। अब जो बाइकॉनकेव शेप होती है वो सरफेस एरिया इंक्रीज करने में हेल्प करती है बच्चों। ठीक है। अब इसका एक्सेप्शन क्या है, कैमल एंड लामा दो एनिमल ऐसे हैं जिनमें बाइकॉनवेक्स आरबीसी प्रेजेंट होती है, ओवल शेप्ड आरबीसी प्रेजेंट होती है। ठीक। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आरबीसी की, उसको डोनेंस मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, इट इज नोन एज डोनेंस मेम्ब्रेन, बिकॉज इट इज हाईली परमिएबल टू क्लोराइड आयन्स, बाइकार्बोनेट आयन्स एंड इम्परमिएबल टू सोडियम आयन्स, पोटेशियम आयन्स। इसलिए इस प्रोसेस को डोनेंस फिनोमिना कहते हैं, और मेम्ब्रेन हो गई डोनेंस मेम्ब्रेन।
आरबीसी की फॉर्मेशन होती है रेड बोन मैरो में बच्चों, और आरबीसी में ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन क्रैब साइकिल के एंजाइम्स यहां पे एब्सेंट होंगे। ठीक, तो दिस इज रिगार्डिंग आरबीसी। दूसरी टाइप की सेल्स जो होती हैं, दे आर नोन एज डब्ल्यूबीसी, कलरलेस हैं, लाइफ स्पैन 1 से 15 डेज होता है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग टाइप की डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है, अभी हम बात करेंगे। इनकी फॉर्मेशन बोन मैरो में, लिम्फ ग्लैंड में और स्प्लीन में होती है। आरबीसी में एक बात मैं बता दूं, जो डेड वोन आउट आरबीसी होती हैं, दे आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, सो स्प्लीन इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। अब वापस से आते हैं हमारे डब्ल्यूबीसी पे। तो डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का पहले नंबर का कंपेरिजन करते हैं। आरबीसी होती हैं 4.5 से 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, पर एमएम क्यूब, जबकि डब्ल्यूबीसी का नंबर होता है 6,000 से 8,000 मिलीमीटर क्यूब। दैट्स व्हाई दे फॉर्म्स 44% और डब्ल्यूबीसी 1% बनाती है। ठीक, नंबर यहां पे आप देख लिए, आपने देख लिया यहां पे उनकी फॉर्मेशन होती है और ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, न्यूक्लियस के बेसिस पे वो अलग अलग टाइप की होती है। तो मेनली या ब्रॉडली दो ग्रुप्स में, दो टाइप में डब्ल्यूबीसी को डिवाइड किया जाता है, ग्रेन्युलोसाइट एंड एग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट में तीन आ जाती हैं, इओसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल, ये होगी ग्रेन्युलोसाइट, और मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, ये होगी एग्रेन्युलोसाइट। कि जिसका साइटोप्लाज्म क्लियर हो और ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हो तो वो क्या हो जाएगा, ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्यूल्स एब्सेंट हो तो एग्रेन्युलोसाइट। अब न्यूक्लियस की शेप पे, अगर बाइलोब न्यूक्लियस है तो इओसिनोफिल्स, एस शेप्ड न्यूक्लियस है तो बेसोफिल, मल्टीलोब न्यूक्लियस है तो न्यूट्रोफिल्स हो जाती है। सारी की सारी ग्रेन्युलोसाइट की फॉर्मेशन होती है बोन मैरो में। ठीक, एग्रेन्युलोसाइट भी बोन मैरो में ही बनती हैं, ये दो टाइप की हो गई। अब देखो यहां पे क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन। न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटोसिस में हेल्प करती हैं, मैंने बताया मल्टीलोब पीएमएल एंड पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। बाइलोब्ड है तो इओसिनोफिल्स, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है पैरासिटिक इंफेक्शन के अगेंस्ट, और एस शेप्ड न्यूक्लियस है तो क्या होगी, बेसोफिल्स, जो एलर्जिक रेस्पॉन्सेज हैं उसके रेस्पॉन्स में प्रोड्यूस होती है, और ये डाइज के साथ भी कलर रिएक्शन करेंगी। एग्रेन्युलोसाइट मोनोसाइट लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी, जो किडनी शेप की होती है, लार्जेस्ट न्यूक्लियस होता है इनका, और वायरस और फंगल इंफेक्शन के अगेंस्ट मेनली काम करती है। ये फ्यूज हो जाती हैं और इनको कह देते हैं मैक्रोफाज। दूसरी टाइप की हैं लिम्फोसाइट्स, जो कि स्पेसिफिक इम्यून रेस्पॉन्सेज के अगेंस्ट प्रोड्यूस होती हैं, तो बी सेल्स और टी सेल्स, दोनों के दोनों टाइप की सेल्स की फॉर्मेशन होगी बोन मैरो में। अगर वहीं पे फॉर्मेशन हो गई और वहीं पे मैचुरेशन हो गई तो वो क्या कहलाएंगी, बी सेल, लेकिन फॉर्मेशन के बाद बोन मैरो से माइग्रेट करके थाइमस में चली जाए और वहीं पे मैचुरेशन होगी तो उनको कहेंगे टी सेल्स, याद रहेगा आपको। अब ये टी सेल्स फंक्शन के बेसिस पे अलग अलग टाइप की हो जाती है, हेल्पर, किलर, सप्रेशर टी सेल्स। अब देखिए नंबर वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर, न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा, लिम्फोसाइट सेकेंड नंबर पे, मोनोसाइट्स उसके बाद, सबसे कम बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स फर्स्ट, बेसोफिल्स सॉरी लिम्फोसाइट सेकेंड, मोनोसाइट थर्ड, इओसिनोफिल फोर एंड लास्टली बेसोफिल्स। क्लियर बच्चों, यहां तक कोई कंफ्यूजन है एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। ये सारा देखिए परसेंटेज वाइज आपको दिखा दिया, मोस्ट अबंडेंट फैगोसाइटिक फंक्शन भी आ गया, उसके बाद सेकंड लिम्फोसाइट्स 20 से 25%, बेसोफिल्स सबसे कम, हिस्टामिन सेरोटोनिन और हिपेरिन, हिपेरिन ब्लड एंटीकोएगुलेंट है। ठीक है, बीओटी सेल्स दोनों बनेंगी कहां पे, बोन मैरो में, टी सेल की जो मैचुरेशन है वो कहां हो जाएगी, थाइमस में, मोनोसाइट फैगोसाइटिक इन फंक्शन, हिपेरिन ब्लड एंटीकोएगुलेंट मैंने बताया, हिस्टामिन एलर्जिक रेस्पॉन्सेज में प्रोड्यूस होगा, और एंटी इंफ्लेमेटरी और वैसो कंस्ट्रिक्शन कॉजेज, कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, ये बेसोफिल के फंक्शन हो गए। अब एक और इंपॉर्टेंट जिसमें क्वेश्चन बनता है, प्लाज्मा और सीरम में क्या
फर्क होता है। देखिए ब्लड में अगर प्लाज्मा भी है, तीनों टाइप के फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी हैं, तो क्या हो गया कंप्लीट ब्लड। लेकिन ब्लड में से क्लोटिंग फैक्टर को रिमूव कर दें तो क्या कहलाएगा सीरम। तो प्लाज्मा में सब कुछ है, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, लेकिन उसमें से अगर क्लोटिंग फैक्टर को रिमूव कर देंगे तो क्या कहलाएगा सीरम कहलाएगा बच्चों। अब तीसरे टाइप की फॉर्म्ड एलिमेंट्स जिनको हम प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, दे आर सेल फ्रेगमेंट्स विच आर कलरलेस, 7 डेज इनका लाइफ स्पैन होता है, नंबर 1.5 to 3.5 per mm³। मैगोकैरियोसाइट्स जो बोन मैरो में होती है वहां पे उनकी फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। ये भी नॉन न्यूक्लिएटेड सेल फ्रेगमेंट्स हैं और मेजर फंक्शन है, दे हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, ठीक। अब ब्लड क्लोटिंग कैसे होती है ये देखिए, नंबर और किस तरह से ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लोटिंग की हम बात करें तो बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म होता है, 13 फैक्टर्स आर इन्वॉल्व। सबसे पहले आपको याद रखना है 13 फैक्टर्स आर इन्वॉल्व, लेकिन फैक्टर एक फैक्टर इसमें से जो फैक्टर 6 है वो एब्सेंट होता है, या उसको हाइपोथेटिकल कह सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे डैमेज हुआ, इंजरी हुई, तो जो डैमेज ब्लड वेसल्स हैं वो सिक्रीट करेंगी थ्रोम्बोप्लास्टीन, जो कि प्लेटलेट फैक्टर 3 है, या इसको हम फैक्टर 3 कह देते हैं, ठीक। तो अब अगर कैल्शियम आयंस प्रेजेंट होंगे तो ये जो थ्रोम्बोप्लास्टीन है ये इनिशिएट कर देगा प्रोथ्रोम्बिन को, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। अब जो एक्टिवेटेड थ्रोम्बिन है वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा, जिसकी वजह से फाइब्रिन जो है एक नेट बना देगा, एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बना देगा, जिससे ब्लड प्लेटलेट्स और फाइब्रिन ये सारे एग्रीगेट होके एक क्लॉट की फॉर्मेशन कर देंगे। यहां पे दिख रहा है इंजरी हुई वॉन्ड या इंजरी के आसपास जो सेल्स हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेंगी, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा, फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये 3 स्टेजेस है, वेस्कुलर स्पर्म, प्लग फॉर्मेशन एंड कोएगुलेशन। 2 तरह का पाथवे फॉलो किया जाता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो फाइब्रिनोजन फर्स्ट फैक्टर क्या होता है फाइब्रिनोजन, सेकंड फैक्टर प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड क्या है थ्रोम्बोप्लास्टिन, फोर्थ कैल्शियम आयंस, फिफ्थ प्रोएक्सिलरीन। तो इस तरह से 13 फैक्टर्स हैं, लेकिन फैक्टर 6 इसको रिजेक्ट कर दिया गया, एक्सिलरीन होता है इसको अब। तो एक्चुअल में फैक्टर तो 13 है, लेकिन बैलेंस मेंटेन करने के लिए उसके लिए 13 माने गए, ठीक है। तो दिस इज मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लोटिंग। हेम्योस्टेटिस, प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस थ्रू इंजरी, उसको क्या कहते हैं हेम्योस्टेटिस मैकेनिज्म है। ये सारे के सारे फैक्टर आप यहां पे देख सकते हैं। ये जो 6 है एक्सेलरीन, इट इज रिजेक्टेड, आप कह सकते हैं इट इज डिलीटेड, कुछ भी आप कहना चाहें। सबसे पहले एक्टिवेटेड कौन सा होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, फर्स्ट एक्टिवेटेड फैक्टर, ठीक है ना बच्चों। तो क्या हुआ देखिए दोबारा से आपको बताता हूं, जैसे इंजरी हुई तो प्लेटलेट्स इकट्ठी हो जाएंगी, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेंगी, वो क्या बना देगा प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देंगे। ये थ्रोम्बिन एक्टिवेट कर देगा किसको फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में, जिससे डेड और डैमेज टिश्यू एक थ्रेड मैश लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे, जिससे जो ब्लड सेल्स हैं वो बाहर नहीं निकल सकती, क्लॉट इज फॉर्म्ड, ठीक। तो कोएगुलेटिंग एजेंट सारे के सारे फैक्टर्स, विटामिन के जिसको हम फाइलोक्विनोन भी कहते हैं, ये बहुत जरूरी होते हैं ब्लड क्लोटिंग के लिए, और कैल्शियम आयंस बहुत जरूरी होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो ब्लड क्लोट नहीं होने देते, जिनको एंटीकोएगुलेंट कहते हैं। हीपेरिन की हमने बात करी, हीरोडीन ऑलरेडी हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा है, उसके अलावा स्ट्रेप्टोकाइनेज है और यूरोकाइनेज एस्पिरिन जैसे एंटीकोएगुलेंट है, ठीक। अब ये आर्टरीज और वेन्स का डिफरेंस, ब्लड वेसल्स का डिफरेंस मैंने इसलिए बताया आपको कि पता चल सके बेसिक चीज क्या होती है। कि जो ब्राइट रेड कलर की होगी वो होगी आर्टरी, और जो डार्क रेड कलर की होगी वो क्या होगी वेन, ठीक है ना बच्चों। ये डिफरेंस आपको याद होना चाहिए आर्टरी वेन और कैपिलरी का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कौन से चैप्टर में, जब ह्यूमन फिजियोलॉजी हम पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। अब बात कर लेते हैं किसकी,
अब हम बात करेंगे ब्लड प्लाज्मा की, दूसरा इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने सेल्स की बात कर ली, अब जो मेजर कंपोनेंट है जो 55% बनाता है हमारे ब्लड का, दैट इज प्लाज्मा। और प्लाज्मा में क्या क्या होता है? प्लाज्मा क्या है? जो ब्लड का मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज नोन एज प्लाज्मा, जिसमें 90 से 92% तो हो गया बच्चों वाटर, और 8 से 10% सोलिड पार्ट होता है। अब इस सोलिड पार्ट में जो ऑर्गेनिक पार्ट है उसमें होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन, 6 to 7% प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। अब कौन कौन से प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं मेनली? प्लाज्मा प्रोटीन में सबसे पहले जो 4% होता है वो एल्ब्यूमिन होता है, जो कि लीवर में प्रोड्यूस होता है और सिंथेसाइज होता है। एल्ब्यूमिन स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन है। और सेकेंड जो प्लाज्मा प्रोटीन है जो 2 से 2.5% बनाता है, दैट इज ग्लोब्यूलिन। तो 2:1 रेशो होती है एल्ब्यूमिन टू ग्लोब्यूलिन, रेशो क्या होती है? 2:1। इसके अलावा और क्या प्रेजेंट होता है जी? ये भी सिंथेसाइज होता है लीवर में और लिम्फोइड ऑर्गन में। इसके अलावा इम्यूनोग्लोबुलिन इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम एंटीबॉडीज भी कहते हैं। देन प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजन लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन है, स्मॉलेस्ट कौन सा था? एल्ब्यूमिन। लार्जेस्ट कौन सा है? फाइब्रिनोजन। ये क्लोटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं यहां पे प्लाज्मा में, ठीक है। तो हमने प्लाज्मा की बात कर ली, हमने फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात कर ली। अब एक थोड़ा सा आइडिया हम ले लेते हैं बेटा ब्लड क्लोटिंग का भी। देखिए ब्लड ग्रुप एबीओ ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया कॉर्ल लैंडस्टेनर ने, या उनको स्टडी किया कॉर्ल लैंडस्टेनर ने। चार टाइप के ब्लड ग्रुप कॉमनली ह्यूमन बींग्स में देखने को मिलते हैं, ओ यूनिवर्सल डोनर एंड एबी यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, ठीक याद रह जाएगा। अब अगर किसी इंसान का ब्लड ग्रुप ए है तो इसका मतलब उसमें एंटीजन ए है और एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट क्या प्रोड्यूस होंगी? एंटी बी। उल्टा कर दीजिए, बी में एंटीजन बी एंटीबॉडी ए, ऐसा इंसान ब्लड ग्रुप ए वाले को और ए बी वाले को डोनेट कर सकता है, बी वाला बी को और ए बी को। लेकिन ए बी तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है क्योंकि उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट होती, लेकिन वो सिर्फ डोनेट किसको कर सकता है? ए बी को। ओ क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं है तो ये यूनिवर्सल डोनर है, ये सबको ब्लड दे सकता है, लेकिन ले किससे सकता है? सिर्फ ओ वाले से, ठीक है। अब दूसरा पार्ट जो आ जाता है दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ क्या होता है? लिम्फ इज अनदर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, जो एक्सेस फ्लूइड है वो बॉडी से रिमूव करने का काम करता है, बॉडी से जो डेब्रिस है उसको रिमूव करता है और फैट को डाइजेस्टिव सिस्टम से ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी? ये पैसिव सिस्टम है जिसमें कोई पंपिंग सिस्टम नहीं होता, ये मूव करता है टुवर्ड्स हार्ट, ठीक है। ग्रेविटी इसके इफेक्ट को मूवमेंट को इफेक्ट करती है। अब इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तो सबसे पहला जो पार्ट होता है, जैसे हमने देखा था आर्टरी वेन एंड कैपिलरी, इसी तरह यहां पे भी लिम्फ कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं जो मिनी वॉल्व की तरह काम करती हैं, और जो हाई प्रेशर अगर लिम्फ में क्रिएट हो गया तो वो इन मिनी वॉल्व को बंद कर देता है। देन लिम्फेटिक वेसल्स, देखिए ये सिस्टम देखिए, सबसे पहले लिम्फ डक्ट है, बीच बीच में लिम्फ नोड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, फिर लिम्फ वेसल्स विद वॉल्व्स, और फिर टिश्यू फ्लूइड जो इसको हम लिम्फ कहते हैं। तो लिम्फेटिक वेसल्स कलेक्ट करती है लिम्फ कैपिलरीज से और कहां भेज देती है? लिम्फ नोड में। यहां पे आपको दिख रहा है ये लिम्फ नोड है, ये लिम्फ कैपिलरीज है, और वापस जो फ्लूइड है वेन से कलेक्ट करेंगी। अब लिम्फ नोड एक बड़ा एरिया है जो फिल्टर करता है लिम्फ को ब्लड में जाने से पहले, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, लिम्फोइड ऑर्गन, क्योंकि ये प्रोवाइड करते हैं इम्यूनिटी टू आवर बॉडी। तो लोकेशन के हिसाब से देखिए, टोनसिल्स, थाइमस, स्प्लीन, पेयर पैचेस एंड माल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ये हमारे मेन लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं। स्प्लीन जिसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं, ग्रेवी नहीं ग्रेव, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी,
क्योंकि वोन आउट जो आरबीसीज है वो यहीं डिस्ट्रॉय होती है। स्प्लीन ब्लड को फिल्टर करेगा, वोन आउट ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा, फीटस में ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करेगा और ब्लड को स्टोर करके रखने का काम करता है। जबकि थायमस क्या करेगा, यह हार्मोन प्रोड्यूस करता है थायमोसिन जो लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। इसी तरह पेयर्स पैचेस जो टोनसिल्स होते हैं इंटेस्टाइन के, वो जो इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया उसको कैप्चर करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो जो म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू है उसमें पेयर्स पैचेस आ गए, आपके टोनसिल्स आ गए और बाकी कोई लिम्फोइड टिश्यू आ गए जो रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव ट्रैक को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ये बात होगी बच्चों हमारे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की, जिसमें क्या आ गया हमारा, एक तरफ ब्लड आ गया, एक तरफ आ गया हमारा लिम्फ। और डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड में, ह्यूमन फिजियोलॉजी में, ठीक है। अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप बायोनीति के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो हमारी बात हो गई कनेक्टिव टिश्यूज की।